हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट। टाटा पावर की लापरवाही के चलते गांव बोराज में हाई टेंशन करंट से कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान फूक गए और घरों में करंट आने लगा। किराना व्यापारी और होटल स्वामी के घर करंट से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शनिवार की रात भाटी की डांग गांधी चौक में केबल में अचानक फॉल्ट हो गया। फॉल्ट होने के बाद तेज का धमाका हुआ, आसपास लोगों में खलबली मच गई। लोगों के घरों में लगे टीवी पंखे एसी फूक गए। क्षेत्रवासी सुगना के घर में हाई टेंशन करंट दौड़ा तो 3 LCD, 1 AC, स्टेपलाइजर, 1 पंखा, सेटअप बॉक्स फूक गए। करंट दौड़ने के बाद लोग डर गए क्योंकि घरों में कई लोहे की वस्तुओं में करंट आने लगा। कि एक बजे एकदम पावर आयो फुल, टीवी उठ गई और शटर बॉक्स से नीचे पड़ गया सारा ही, और बढ़ गया और पंखा जल गया, टीवी डीवीडी सारी जल गई माँ घर की, पूरा वायरिंग भी बढ़ गया, बटन हटन वो बटन रहे वही बढ़ गया माँ का। अब और की तो पता नहीं, हमारे तो बच्चे डर गए, पूरी रात ही नींद नहीं काटी उस धमाके से। अब मैं कहीं बताऊँ, टीवी बढ़ गई और ये उड़ गया, डीवीडी उड़ गई, पंखे उड़ गए और पूरी वायरिंग ही बढ़ गई माँ का, तो बटन ही नहीं रहा घर में चलावाने, और बल्ब बढ़ गया सारा ही। वार्ड पंच महासिंह के मुताबिक उनके घर में 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। हाई वोल्टेज के कारण उपकरण फूकने के विरोध में गांव वालों ने जमकर टाटा पावर के खिलाफ नारेबाजी की और मुआवजे की मांग रखी। मैं रात को 1:15 बजे की घटना है, तो अचानक से लाइटें गई, डिम हुई और कुछ समय बाद में फुल तेज हुई, उसके कारण तो रात में तो सबके पंखे उनके सब खराब हो गए, और फिर पंखे तो चलो खराब हो गए, लेकिन रात सुबह जब दोबारा ये घटना हुई 6 बजे, उस टाइम में लोगों ने टीवी वीवी पानी की मोटर भी चलाई थी, उस समय टीवी भी उड़ गए सभी लोगों के, और सेटअप बॉक्स तो मतलब एक भी घर में नहीं बचा है। टीवी के जो सेटअप बॉक्स आते हैं वो एक भी घर में नहीं बचा है, और तकरीबन 8-10 घरों में वायरिंग जल गई पूरी, करीबन 35 से 40 मकानों में। बिल्कुल मांगेंगे हम तो, आंदोलन करेंगे अगर हमें ये भुगतान नहीं किया जाएगा या हमारे को हरजाना नहीं दिया जाएगा। मैं सुबह तक 6 बजे मैंने खुद ने फोन करा है और जवाब आया भाई कि आधे घंटे में आपके आ जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, लेकिन वो आए 11 बजे, और मैंने अकेले नहीं, करीब 50-60 जनों ने अलग अलग बार फोन कराया। तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए पूरे मोहल्ले। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।